हेलो एवरीवन, वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामी में बी ऑनर्स ज्योग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम जो भी स्टूडेंट दिए हैं, इस वीडियो में पेपर को डिस्कस करेंगे, यानी आंसर के साथ आपको बताया जाएगा। पेपर जो है सेट बी है, बी ऑनर्स ज्योग्राफी सोशियोलॉजी साइकोलॉजी का है, 2022-23 में, और आज के डेट में पूछा गया, मतलब 25 जून को। 25 कह लिए, 5th नहीं कह लिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कर विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेरिटरी डज नॉट हैव बॉर्डर विद मिजोरम, मतलब इनमें से कौन सा टेरिटरी है जिसका मिजोरम से बॉर्डर नहीं लगता है। फर्स्ट का करेक्ट आंसर होगा नागालैंड। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अगर इन विच ईयर डिड यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन यूएन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट किया था कब, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1948। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे जनरली दी सॉयल ऑफ नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म बाई, थर्ड का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, एग्रीडेशन। और आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे आइडियोलॉजी ऑफ फासिज्म डेवलपमेंट, फोर्थ का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, इटली। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि एन एस्ट्रोनॉमर इज आउटर स्पेस विल ऑब्जर्व स्काई, तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे ब्लैक होगा। एक बात और यहाँ पे ऐड करते हैं, अगर बाय द वे लगता है कि कोई 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 किसी क्वेश्चन का आंसर गलत बताया गया तो आप सही कमेंट कर दिए, मतलब सही जो आंसर है वो कमेंट कर उसको हम पिन कर देंगे। कह रहा है फ्रॉम विच कम्युनिटी वेयर सीट्स रिजर्व फॉर मॉर्लमेंट रिफॉर्म, तो इसका करेक्ट आंसर मुस्लिम होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन रिपोर्ट 2001% ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एरिया, रूरल एरिया में कितने लोग रहते हैं, 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, 70। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि इन विच ईयर वे आर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस, 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है यहाँ पे इसरो का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वाज गिवन बाई, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, 10 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि साइमन कमीशन वॉज बायकॉटेड बाई नेशनलिस्ट लीडर ऑफ इंडिया बिकॉज, तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, इनमें से कौन जो है स्मॉलेस्ट बर्ड है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हमिंग बर्ड होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द नेशनल पॉलिसी ऑफ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन वॉज अडॉप्टेड इन द ईयर, तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है स्टडी ऑफ लेक इज कॉल्ड, 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे पुटमोलॉजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड स्टेट पंपलेट एसोसिएटेड विद फ्रेंच रिवोल्यूशन रिटन बाई, मतलब किनके द्वारा लिखा गया, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पे एबे सिप्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गांधी जी सॉल्ट सत्याग्रह वाज अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट था, तो 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस होगा, मूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन हेरिटेज साइट इज नॉट इन मध्य प्रदेश, में से कौन जो है वो मध्य प्रदेश में हेरिटेज नहीं है, तो 17 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कोणार्क टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हुई दी फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, मतलब बुक है ये, इसके फादर कौन है, तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, बाल गंगाधर तिलक। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है आईपीसी सेक्शन आईपीसी विच डील विद एलजीबीटी कम्युनिटी, तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, 377। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदड़ो, तो 20 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ग्रेट गैनरी होगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेस हैज द लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया, तो 21 का करेक्ट आंसर यहाँ पे थर्मल पावर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे कि द फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन सेव चाइल्ड मूवमेंट इज, 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पे कैलाश सत्यमूर्ति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉरी पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी, मतलब ह्यूमन बॉडी का पीएच आपसे पूछा जा रहा है, तो 23 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे ऑप्शंस है जैसे, मतलब पूछा जा रहा है कि गंगौर कहाँ मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी कहाँ मनाया जाता है, दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है, तो 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि इन टर्म्स ऑफ एरिया विच स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, एरिया के हिसाब से पूछा जा रहा है, तो 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिक्लेयर्ड एसेस टू द इंटरनेट ए फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सो 26 का करेक्ट आंसर 21 होगा, गुड। एंड अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम इन बिटवीन मर्करी एंड अर्थ, सो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, वेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि नेम द वनली मेटल दैट इज आल्टी बैक्टीरियल, तो 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू कॉल मैच ए फिक्सिंग क्राइम, 29 का करेक्ट आंसर यहाँ पे श्रीलंका होगा। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है प्रिजकर
प्रीजर प्राइज इज एन इंटरनेशनल अवार्ड गिवन टू रिकगनाइज द कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड, किस फील्ड में दिया जाता है। 30 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी का आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे एटीएम का अगर फुल फॉर्म जान रहे तो आप करेक्ट करिएगा। ऐसे 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी होगा, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइन इन द डेमोग्राफिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि वो अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ फील्ड ऑफ साइकोनालिसिस। 34 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडिया फर्स्ट जेंडर पार्क इनोग्रेटेड इन फरवरी 2021। तो 35 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं महात्मा गांधी हिंदू ने हिंद स्वराज के नाम से था हिंदू, मतलब मिस एडिटिंग है इसमें थोड़ा एरर है। तो ऐसे 36 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो 37 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं कि अ डीप सी ड्राइवर में हर्ट हिज एयर ड्रम ड्यूरिंग डाइविंग बिकॉज ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाई वाटर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज इन आवर ऑन स्किन। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पे विटामिन डी होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहा है कि द मानस नेशनल पार्क इज मानस नेशनल पार्क कहाँ है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, आसाम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे मलेरियल पैरासाइट इज। 41 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा, प्रोटोजोआ। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 का, फ्लोराइड टूथपेस्ट इज समटाइम रिकमेंडेड बिकॉज फ्लोराइड इज। तो 42 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा, प्रिवेंट प्लक इन्फॉर्मेशन। यहाँ से मतलब रीजनिंग का सवाल है, यहाँ पे आपको चेक करने में से कौन सा ऑड है इस टाइप से। तो 43 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ए होगा। और अब आते हैं, हालांकि मेरे ख्याल से ब्रुक भी होना चाहिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे इसमें जो 44 का करेक्ट आंसर होगा बी होगा, क्योंकि ये सभी देखा जाए तो मतलब सर्कल टाइप का बन रहा है, ग्लोब बॉल ये सब का स्पेक्टर का ऐसा नहीं होता है। 45 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे, जैसे देखिए ये 7 का स्क्वायर है और 6 का है अगर देखा जाए तो, वैसे 45 का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे बी होगा, 36। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे 46 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्वेश्चन नंबर 47 जो है इसका करेक्ट आंसर ए होगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 का करेक्ट आंसर जो होगा सी होगा, 29। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, ये आपको मतलब इस फॉर्म में है। तो 49 का करेक्ट आंसर बी आएगा। और अब रात क्वेश्चन नंबर 50 पे आ रहे हैं, तो 50 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज़ आपका डी होगा। इस वीडियो में 1 से लेके 50 तक ही, बाकी जो है 51 से लेके 100 अगले वीडियो में अपलोड हो जाएंगे। अपडेटेड रहिए, जल्दी उसका वीडियो अपलोड कर दिया। बाकी अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट कर दिएगा, हम उसी हिसाब से पिन कर देंगे उसको। एंड आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक रिजल्ट वगैरह को लेकर। और उस पर कट ऑफ पे वीडियो भी आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा जिस भी स्टूडेंट के जितना भी मार्क्स आ रहा है वो जरूर बता देंगे, ताकि उसी हिसाब से मैं वीडियो बना दूँ। थैंक यू।